Everybody wanted to know why did she not come to office yesterday? इस सेंटेंस में क्या एरर है, क्या गलती है? हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। ये एक सेंटेंस है और इसमें आपको गलती ढूंढनी है। Everybody wanted to know why did she not come to office yesterday? ठीक है, बड़ा बढ़िया गलती है, अक्सर एग्जाम्स में पूछी जाती है। क्या गलती है? जिस चीज से रिलेटेड यह गलती है उसको हम लोग कहते हैं एम्बेडेड क्वेश्चन। एम्बेडेड क्वेश्चन या इनडायरेक्ट क्वेश्चन कहते हैं। पहले मैं आपको गलती बता देता हूँ, फिर उस बात पर डिस्कस करता हूँ। यहाँ लिखा है व्हाई, ये जो लिखा है व्हाई डिड सी नॉट कम, यही वाला पोर्शन गलत है। एक्चुअली यहाँ होना चाहिए कि व्हाई सी डिड नॉट कम, व्हाई सी डिड नॉट कम होना एक्चुअली ये चाहिए था। अब आप पूछेंगे क्यों होना चाहिए था, तो देखो मैं बताता हूँ आपको। ये एक पोर्शन है इंटरोगेटिव सेंटेंस का। अगर ये सेंटेंस ऐसे लिखा होता डायरेक्ट में, सपोज करो डायरेक्ट में लिखा होता तो एवरीबडी वांटेड टू नो, उसके बाद इन्वर्टेड कामा लगा होता, यहाँ इन्वर्टेड कामा होता, इन्वर्टेड कामा के बाद लिखा होता कि व्हाई डिड सी नॉट कम यस्टरडे, ठीक है ना, क्या होगा व्हाई डिड सी नॉट कम यस्टरडे, ऐसे होता। लेकिन जब इसको हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, अब तो ये इनडायरेक्ट फॉर्म में आ गया ना, डायरेक्ट में तो है नहीं। जब हम लोग इसको इनडायरेक्ट में बनाते हैं तो क्या करते हैं, व्हाई डिड सी नॉट कम, एक बार मुझे लिखने दीजिए फिर मैं आपको समझाता हूँ। Why did she not come? अब yesterday, yesterday को गोली मारो, बाद में देखेंगे। जब इसको हम लोग इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो ये हट जाएगा यहाँ से, why की जगह why ही रहेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड चेंज नहीं होता है। जब इनडायरेक्ट बदलने लगते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सी को इधर कर लेंगे और इसको इधर कर लेंगे। रूल क्या होता है कि जब रिपोर्टेड में कोई क्वेश्चन होता है तो इनडायरेक्ट बनाते समय हम उस क्वेश्चन को असर्टिव बना देते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस चेंजेज इनटू असर्टिव सेंटेंस। अ क्वेश्चन इन रिपोर्टेड स्पीच विल नॉट रिमेन अ क्वेश्चन इन इनडायरेक्ट, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, व्हाई सी हो जाएगा और सी के बाद आप यूज करोगे डिड नॉट कम, ठीक है, बात समझ गए। ठीक, तो ये था कंसेप्ट, ये था रूल। अब आप इस बात को और अच्छे से समझिए, ठीक है, मैं उसी बात को लिखा दे रहा हूँ। आप कॉपी पेन लिए बैठे होंगे तो नोट कर लीजिए कि जब किसी सेंटेंस में, चाहे वो असर्टिव सेंटेंस हो, चाहे इंटरोगेटिव सेंटेंस हो, या फिर इंपरेटिव सेंटेंस हो, ठीक है, जब किसी सेंटेंस में कोई दूसरा सेंटेंस जोड़ा जाता है, मतलब एनी सेंटेंस, मैं यहाँ लिख रहा हूँ एनी सेंटेंस प्लस इंटरोगेटिव सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस में जब आप इंटरोगेटिव सेंटेंस को जोड़ते हो, ये रहा आपका इंटरोगेटिव। ये जो एनी सेंटेंस है ये क्या क्या हो सकता है, इट मे बी एन असर्टिव सेंटेंस, क्या हो सकता है, ये असर्टिव सेंटेंस हो सकता है। इट आल्सो मे बी एन इंटरोगेटिव सेंटेंस, चाहे ये इंटरोगेटिव सेंटेंस हो, चाहे इट आल्सो मे बी एन इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव हो गया। एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव में अक्सर इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं जुड़ता है, ठीक है। तो असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस या इंपरेटिव सेंटेंस में जब हम कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस जोड़ते हैं, याद रखना ये इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा। तो ये अगर यहाँ इंटरोगेटिव में आप कोई इंटरोगेटिव जोड़ रहे हो तो ये वाला पहला वाला इंटरोगेटिव तो रहेगा, दूसरा वाला इंटरोगेटिव नहीं होगा। असर्टिव में इंटरोगेटिव जोड़ो, जैसे यहाँ पे लिखा है एवरीबडी वांट्स टू नो, ये असर्टिव पार्ट हो गया। असर्टिव के बाद हम इंट्रोगेटिव जोड़े थे तो हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद में ले जाएंगे। तो जब आप इंट्रोगेटिव को असर्टिव में जोड़ेंगे तो अब ये इंट्रोगेटिव नहीं रहेगा। जब किसी इंट्रोगेटिव में दूसरा इंट्रोगेटिव जोड़ोगे तो पहला तो इंट्रोगेटिव होगा, दूसरा वाला इंट्रोगेटिव नहीं होगा। तीसरा सेंटेंस है जब किसी आप इंपरेटिव सेंटेंस में जोड़ते हैं, चाहे प्लीज से बनाओ, चाहे रिक्वेस्ट हो, चाहे ऑर्डर हो, चाहे एडवाइस हो, इसमें जब आप कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस जोड़ोगे तो जुड़ने वाला सेंटेंस इंटरोगेटिव नहीं होगा, वो असर्टिव हो जाएगा। स्ट्रक्चर का मतलब क्या होगा, जब आप जोड़ोगे एक इंटरोगेटिव सेंटेंस जोड़ोगे तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा ना, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये स्ट्रक्चर नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा, ये गलत स्ट्रक्चर है। इसकी जगह पर क्या होना चाहिए, फिर सब्जेक्ट होगा और हेल्पिंग वर्ब बाद में चली जाएगी, उसके बाद मेन वर्ब हो जाएगी, ठीक है, समझ गए।
तो हेल्पिंग वर्ब जो सब्जेक्ट के पहले होती है वो एक्चुअली सब्जेक्ट के बाद चली जानी चाहिए। ये होता है एम्बेडेड क्वेश्चन, इसी वाले को एम्बेडेड क्वेश्चन कहेंगे। ठीक है, जो सेंटेंस जो इंट्रोगेटिव किसी दूसरे में जुड़ रहा है तो जुड़ने वाले को एम्बेडेड या इनडायरेक्ट क्वेश्चन कहते हैं। तो अभी जो बातें आप लोगों ने देखी इस पर आप लोगों को तीन एग्जाम्पल देते हैं। एक एग्जाम्पल तो ये हो गया असर्टिव वाला, इस असर्टिव वाले के बाद दो एग्जाम्पल तीन एग्जाम्पल इस पर देखना है हमें, कि जैसे कोई असर्टिव में असर्टिव इंट्रोगेटिव जोड़ते हैं या इंट्रोगेटिव में या इंपरेटिव में जोड़ के दिखाएं। आपके मन में शंका हो रही होगी कि इंट्रोगेटिव में इंट्रोगेटिव कैसे जुड़ सकता है, तो लेट्स फाइंड आउट। तो चलिए देखते हैं कि एम्बेडेड क्वेश्चन में किस तरह की एरर होती है। पहला सेंटेंस पढ़ के देखिए, लिखा हुआ है कि हिज ब्रदर इन्फॉर्म्ड मी वेयर, ये यहाँ से जोड़ रहा है दूसरा सेंटेंस। ठीक है, तो पहला सेंटेंस कैसा है, हिज ब्रदर इन्फॉर्म्ड मी, मैंने कहा था ये सेंटेंस कैसा हो गया, असर्टिव टाइप का सेंटेंस हो गया। ठीक, ये असर्टिव है। अब इसमें प्लस हो रहा है, ये सेंटेंस कौन सा है, वेयर हैड ही हिडन द बूटी लूटेड फ्रॉम द शॉप। ठीक है, दुकान से लूटा हुआ माल कहाँ है, तो ये बूटी क्या होता है, नहीं जानते हो तो लिख लो, बूटी का मतलब हुआ लूट का माल। ठीक है, लूट का माल अच्छा वर्ड है, न्यूज़पेपर में अक्सर आता रहता है, नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, तो ये है, तो हिज ब्रदर इन्फॉर्म्ड मी, हो सकता है भाई को दुश्मनी रही है, भाई को पकड़वाना चाहता रहा हो। तो उसने क्या किया, हिज ब्रदर इन्फॉर्म्ड मी वेयर हैड ही हिडन द बूटी लूटेड फ्रॉम द शॉप। ठीक है, दूसरा वाला, ये वाला क्या है, ये क्वेश्चन है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसके पहले क्या है, असर्टिव सेंटेंस है। तो मैंने कहा था जब एक असर्टिव सेंटेंस में एक इंटरोगेटिव सेंटेंस जोड़ा जाएगा तो जुड़ने वाला जो सेंटेंस है, जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, अब वो इंटरोगेटिव फॉर्म में नहीं रहेगा, अब ये असर्टिव हो जाएगा। अब मतलब इसकी हेल्पिंग वर्ब जो है वो कहाँ लगेगी, बाद में लगेगी। तो इसका ये जो इतना वाला पोर्शन है ये गलत हो गया आपका, ये क्या हो गया, ये गलत हो गया। अब इसका जो हैड है वो ही के पहले नहीं आ सकता, बल्कि क्या होना चाहिए था, वेयर ही हैड हिडन। ठीक है, अब आप इनडायरेक्ट बना चुके हो ना इसको, अब क्वेश्चन को जोड़ दिए हो, अगर यहाँ फुल स्टॉप लगा देते और ये अलग सेंटेंस होता तो लगा होता हैड पहले, लेकिन जब जोड़ दिया है तो हेल्पिंग वर्ब पहले नहीं होगी, बाद में जाएगी, इसी को कहते हैं एम्बेडेड क्वेश्चन। इस तरह की एरर बहुत आती है। दूसरा क्वेश्चन देख लो, यहाँ पे लिखा हुआ है इतना पोर्शन देखो, डू यू नो, डू यू नो क्या है, ये क्वेश्चन है, क्या तुम जानते हो, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब हम क्या कर रहे हैं, इंटरोगेटिव में वेयर है सीजन, फिर क्वेश्चन में क्वेश्चन जोड़ दिया आपने, यहाँ भी एक क्वेश्चन था, यहाँ भी एक क्वेश्चन था। जब दो क्वेश्चन एक दूसरे में जोड़ोगे तो पहला वाला क्वेश्चन रहेगा डू यू नो, ये ठीक है अपनी जगह पे, जो जुड़ रहा होगा वो क्वेश्चन नहीं रहेगा। इसमें क्या होगा, हैज को आपको पीछे ले जाना पड़ेगा, व्हाई हैज सी रिजाइंड नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, व्हाई सी हैज रिजाइंड हो जाएगा। डू यू नो व्हाई सी हैज रिजाइंड फ्रॉम द जॉब, व्हाई हैज सी रिजाइंड नहीं। आपको ये देख के, यहाँ आगे देख करके अच्छा लग रहा होगा कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इंटरोगेटिव है तो पहले होना चाहिए, लेकिन वही जो अच्छा लग रहा है ना वो अच्छा है नहीं असल में, केवल लग ही रहा है अच्छा। ठीक है, बहुत ज़्यादा चमक दमक पे मत जाओ, ये स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा। जब दो सेंटेंस एक में जोड़े जाएंगे तो जुड़ने वाला इंटरोगेटिव सेंटेंस इंटरोगेटिव नहीं रहता। एक और एग्जाम्पल देख लो, मैंने कहा था कि असर्टिव में इंटरोगेटिव जोड़ोगे तब भी यही होगा, इंटरोगेटिव में इंटरोगेटिव जोड़ोगे तब भी यही होगा, अगर आप इंपरेटिव में इंटरोगेटिव जोड़ते हो तो द रूल विल रिमेन सेम, फिर वही रूल रहेगा। यहाँ देखो, प्लीज टेल मी, प्लीज टेल मी क्या है, एक रिक्वेस्ट है, इंपरेटिव सेंटेंस है, प्लीज टेल मी। आगे क्या हुआ, आगे बच्चा एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ कैन आई ओवरकम दिस प्रॉब्लम, प्लीज टेल मी हाउ कैन आई ओवरकम दिस प्रॉब्लम, कृपया मुझे बताइए कि मैं इस समस्या से कैसे उभरूं। तो ये एक क्वेश्चन है, मैं इस समस्या से कैसे उभरूं, लेकिन जब रिक्वेस्ट के साथ इसको प्लस कर दोगे, जब ऐड कर दोगे तो नाउ इट विल नॉट रिमेन अ क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन नहीं रहेगा, और इस लिहाज से यहाँ जो कैन आई है वो क्या हो जाना चाहिए, हाउ आई कैन, ठीक है, क्या होगा, हाउ आई कैन होगा। तो जो कैन पहले था वो कैन बाद में चला जाएगा। फिर से एक बार सुन लीजिए, अगर कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस किसी दूसरे सेंटेंस में जुड़ता है, किसी असर्टिव में, किसी इंटरोगेटिव में या किसी इंपरेटिव सेंटेंस में, अगर आप कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस जोड़ते हो तो जुड़ने वाला इंटरोगेटिव सेंटेंस अब इंटरोगेटिव नहीं रहेगा, अब वो असर्टिव हो जाएगा। दैट मीन्स कि उसकी हेल्पिंग वर्ब जो सब्जेक्ट के पहले आई थी इंटरोगेटिव बनाने के लिए, अब वो सब्जेक्ट के बाद में यूज होगी, क्योंकि अब उसको इंटरोगेटिव रहने की ज़रूरत नहीं है। इज दैट क्लियर, इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई हो तो ठीक है, ठोको लाइक। ठीक है, तो मतलब मजाक कर रहा था,
और आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए कि ये बात समझ में आई, अच्छी लगी, और इस तरह के क्वेश्चन तो बहुत आए। आप कितना यूजफुल है ये बताने की आपकी जिम्मेदारी नहीं, वो मुझे पता है कि ये इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। हाँ, बस आपको समझ में आया कि नहीं आया, कोई कन्फ्यूज़न है, आप केवल ये बताया करिए, ठीक है? तो फिर मिलेंगे इसी तरह के और यूजफुल इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।